तो अभी यहाँ पर जो उन्होंने भेजा है हमें फोटो ऐसा टाइप का, तो यानी उस टाइप का कुछ बनाना है, तो हमारे पास देखो ऑप्शन क्या होता है ना, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो जो हम लोग करते हैं डिफॉल्ट डिफॉल्ट, अगर आप सीधा उस तरह का चीज़ बनाना चाहते हो आप यहाँ से नॉर्मल नॉर्मल, तो इससे भी कर सकते हो, खुदरा जैसा चीज़ बनाना है हम लोग नॉइस को यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आपको सरफेस जो होता है आपका अगर आपको मॉडल बनाना है, मॉडल मॉडल बनाना है तो मैंने इसको 1000 का सरफेस रखा, 1000 का सेगमेंट दे दिया इस सरफेस को, प्लेन को, और फिर यहाँ से गया इसके मॉडिफायर में गया, यहाँ से लिस्ट में गया, इधर से ले लिया नॉइस, नॉइस लेके नॉइस के इसके मैंने इसको चेंज किया थोड़ा सा, स्ट्रेंथ को चेंज किया, ऊपर नीचे किया हल्का हल्का, अभी हल्का हल्का ही चेंज करूँगा, बहुत ही हल्का हल्का, 2 पॉइंट 3 पॉइंट थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा सकते हो, देखो इस तरह से ऊपर नीचे हुआ बड़े, ये तो पेपर जैसा बन गया। इसकी जो स्केल्स है अभी 100 है, इसकी स्केल तो मैं करता हूँ कम, ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा और कम करता हूँ, थोड़ा इसको और भी बैलेंस कर लेते हैं और कम कर लेते हैं। तो इस तरह के जो थोड़े से ऊपर नीचे हैं हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक कुछ इस टाइप का बन जाता है। तो लगे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को चाहिए कि पत्थर जैसा दिखे, थोड़ा सा पहाड़ जैसा दिखाई दे, ऐसा कुछ ऊपर नीचे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए टेक्सचर्स, टेक्सचर्स पे आप काम कर सकते हो, मटेरियल पे आप काम कर सकते हो। जैसे फिर से मैंने प्लेन बनाया, 1000 का फेस है, सरफेस है, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस यूज़ करूँगा मैं, अरे ये नहीं यूज़ करूँगा, ये नहीं, डिस्प्लेस में इस पर सिर्फ डिस्प्लेस लिखा होगा, ओनली डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस है, डिस्प्ले में देख सकते हो इधर पे आता है बिट मैप एंड मैप। तो उसमें क्या है कि मैं अपने जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट इमेज होना चाहिए जिसको आपको उठाना है, जिस इमेज को आपको उठाना है उसका ब्लैक एंड वाइट सरफेस, उसका डेप्थ मैप होना चाहिए या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट मैप होना चाहिए, तो काफ़ी ईजी हो जाता है उसको अप्लाई कर पाना। जैसे कि हमारे पास तो ये कुछ हद तक मैंने ब्लैक एंड वाइट मैप ही मैंने निकाला हूँ, इसको ही मैं यूज़ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, मतलब अप्लाई तो किया मैं, कुछ इफेक्ट हुआ नहीं क्योंकि स्ट्रेंथ है इधर पे 0, स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ धीरे से 1 करता हूँ, तब देखो ऊपर नीचे होना चालू हो गया, अभी आ तो रहा है, अभी देखो कहीं पे खड्डा है, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे ज़्यादा है, क्योंकि उसका मैप ही ऐसा है हमारा, ठीक है, इसका मैप ही हमारा ऐसे ही बना हुआ है, तो जैसा मैप है तो वैसे ही आने वाला है, जैसा टेक्सचर आपने लिया है, क्योंकि जैसा हमने टेक्सचर जो ऑनलाइन लिया था उसका टेक्सचर भी अगर हम लोग देखेंगे इमेज को, वो टेक्सचर हमारा दिखने में ऐसा ही दिख रहा है, समझे। कहाँ चले गए, ये भगवान के पास आ गए हमें, जिसके टेक्सचर को आप देखोगे ये कुछ इसी तरह का ही है, ऐसा बीच में खड्डा है, यहाँ पर ऐसा है, और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ इसी इमेज को, तो ये देखोगे ये कुछ उसी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ ब्लैक पॉट है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, जो बाकी ऊपर हो रहा है, क्योंकि जाके वो वाइट पार्ट है, जो वाइट पार्ट है आपका ऊपर जाएगा, बाकी ब्लैक पार्ट नीचे जाएगा, ऐसा कुछ इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, इसी तरह से। या फिर इसके जगह पे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ टेरेन जैसा कुछ ऑब्जेक्ट, टेरेन जैसा कोई मटेरियल, तो पिछली बार भी एक पिछली क्लास में हमने पहले भी काम किया था टेरेन के ऊपर, टेरेन पे भी मैंने ये डिस्प्लेस का यूज़ किया था, तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक टेरेन मैप को यूज़ करूँगा सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाऊँगा, इसको अप्लाई करूँगा यहाँ पर टेरेन, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला, टेरेन रखते हैं, दोनों साथ में अप्लाई करेंगे, ठीक है, टेरेन भी साथ में बनेगा। टेरेन का मैप भी मैंने निकाला था ऑनलाइन, वो टेरेन का मैप आई थिंक सो नंबर 1 ये रहा, ये था टेरेन का मैप, देखो ब्लैक एंड वाइट मैप है, यानी कि जो वाइट पार्ट है वो हमारा ऊपर आएगा, जो ब्लैक पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करता हूँ और इसको मैं स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ, एक मिनट इसको बंद करना पड़ेगा, ये मैप को तो एक साथ दो दो है ना मिक्सअप हो रहा है, ठीक है, इसको निकाल दिया मैंने, एक ही मैप रखा मैंने, ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, अब देखोगे ऐसे पहाड़ बन रहा है अभी,
मेरा ये मैप जो मैंने टेरेंट वाला मैप यूज़ किया था उसके हिसाब से इधर पहाड़ बन गया। और मैंने एक और मैप बनाया था उसके अंदर बीच में से रोड जाने का, जैसे ऐसे ऐसे रोड जा रही है, तो अगर मैं ये यूज़ करूँगा जैसे ब्लैक वाला पार्ट नीचे जा रहा है बाकी व्हाइट वाला पार्ट ऊपर है, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो आप देखोगे बीच में से रोड जाते हुए गैप भी बन रहा है। ये सब सारी चीज़ हमने पिछले क्लास के टाइम पे किया था, आई थिंक सो आप पिछले क्लास में थे कि नहीं, आई डोंट नो। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह की चीज़ें बनाते हैं मैप का यूज़ करके, डिस्प्लेसमेंट मैप है, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।